हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जालौर जिले में बिशनगढ़ में स्थित कैलाश धाम पर। शिव का बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही ऊंची और बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, आप मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर अगर आप आए तो सुबह के समय में आए ताकि आप अपनी अच्छी फोटो सेल्फी ले सकते हैं, क्योंकि शाम के समय सूरज पीछे चला जाएगा तो HDR फोटो आपको फिर निकालनी पड़ेगी, तो सुबह सुबह में वैसे ही अच्छी आएगी, सामने से सूर्य उदय हो रहा होगा तब। बहुत ही सुंदर दृश्य है मंदिर के सामने, काफ़ी दूरी पर आपको चल के जाना पड़ेगा, और यहाँ पर फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप जो है वो बालोतरा से जालौर जाएंगे तो जालौर से 15 किलोमीटर पहले आप अगर सड़क से यहाँ से रोड से भी जा रहे होंगे तो भी आपको कैलाश धाम की ये मूर्ति है जो आपको सड़क से ही नजर आएगी, तो यहाँ पर आप रुक करके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इतनी भव्य और सुंदर मूर्ति है कि आप आसानी से दूर से ही इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक साइड में मूर्ति के पास में ही मंदिर है, इसके पास में यहाँ पर ये देखिए शिवाय, ये शिव का मंदिर है। आइए चलते हैं मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आप मंदिर में आएंगे तब आपको घंटा बजाना होगा यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी बड़ा शिवलिंग बना हुआ है मंदिर के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि शिव जी का मंदिर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ आपको चारों ओर जो फेरी लगाते हैं वो पूरी नहीं लगानी होती है, हाफ फेरी लगती है। कैसे? अभी लगाते हैं इस मंदिर के, हम चारों ओर जाएंगे। इस साइड में हम आ गए, वो पीछे की साइड में अच्छी वाली मूर्ति दिख रही है। अब इस साइड में यहाँ पर इन्होंने ब्रेक लगा दिया, इससे आगे आप नहीं जा सकते। देखिए ये देखिए, तो शिव जी का जहाँ कहीं पर भी मंदिर होगा इस तरह से आपको पार्ट मिलेगा जिससे आगे आप नहीं जा सकते, फिर आपको वापस ही जाना होगा। तो वापस जाएंगे और इसको हाफ आधी फेरी बोलते हैं। ये वापस आ गए, जय शिव शंकर। अगर मूर्ति जो बड़ी है तो घंटा भी फिर बड़ा होगा, कितना बड़ा घंटा है देखिए। काफी देर तक इसकी जो आवाज गूंज रही है अभी भी गूंज रही है। मूर्ति के हिसाब से एकदम सही घंटा है ये। और ये शिव का नंदी जस्ट शिव जी के सामने, जो शिव जी की बड़ी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, उसी के पास ये छोटा गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है, और उसी के पास यहाँ पे है एक गुफा जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये मूर्ति है भगवान शिव की। हम जो है अपने इस YouTube चैनल शुभ जर्नी पर इसी तरह की यात्रा से जुड़े हुए वीडियोस डालते रहते हैं। आप हमारे ये वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल शुभ जर्नी को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो है वो नए नए वीडियोस जो हम डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुभ जर्नी, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो संजय कुमार स्वामी जी, आप बताइए आपको बाड़मेर कैसा लगा? बाड़मेर वाज वेरी लाइक, आई लाइक बाड़मेर एंड बाड़मेर विलेज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड बाड़मेर पीपल आर वेरी। धीरे 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 धीरे।